नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र के खास कार्यक्रम सितारों की चाल में। मैं हूं चुन्नी गजेंद्र और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर ऐश्वर्या पांडे। ऐश्वर्या जी, स्वागत है आपका। हर रोज की तरह आज इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि कैसा बीतेगा आज आपका दिन और किस राशि के जातक को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही जानेंगे वो कि वो कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से आपको सफलता मिल सकती है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप हमें कॉल कर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। इसके लिए आपको डायल करना होगा 07742422281 पर और नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। सबसे पहले ऐश्वर्या जी से जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। जी बिल्कुल, बहुत ही शुभ दिन बृहस्पतिवार का बना हुआ है और तारीख 19 मार्च 2020, विक्रम संवत 2076, शक संवत 1941। साथ ही चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और नक्षत्र उत्तर अषाढ़ा योग परिक बना हुआ है। राहु काल आज सुबह 10:24 से लेके दोपहर 3 बजे तक रहेगा। इसके साथ ही चंद्र आज मकर राशि में, साथ ही सूर्य मीन राशि में संचार करेंगे। जी, तो ऐश्वर्य जी, ये तो हुई बात पंचांग की और अब हम आपसे जानना चाहेंगे राशिफल के बारे में कि जो आज जो राशिफल के जातक है उनके लिए आज का दिन कैसा होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि वालों के बारे में कि मेष राशि के जो जातक है उनके लिए आज का दिन कैसा होगा। जी हाँ, देखिए तिथि एकादशी है और साथ ही आज 19 मार्च 2020 और दिन बहुत ही खूबसूरत सप्ताह का सबसे शुभ फलकारी दिन बना हुआ है बृहस्पतिवार का। अब बृहस्पति जी जो है कृपा बरसाते हैं सभी जातकों पे उनके वैवाहिक जीवन के अनुकूलता के लिए। निश्चित वो कृपा आज बरसने वाली है मेष यानी की एरीस के ऊपर। मेष यानी की एरीस को भरपूर मात्रा में गुरु बृहस्पति का आशीष प्राप्त होगा जिससे कि वैवाहिक जीवन में आपके लिए अनुकूलता आती दिखाई देगी। लेकिन महत्वपूर्ण है कार्य क्षेत्र में आप सावधानी बरते, कहीं ना कहीं प्रोफेशनली कार्य क्षेत्र से संबंधित दिक्कत समस्या आ सकती है, कार्यों में अवरोध आ सकते हैं। एक बात का विशेष आप ख्याल रखें, इस बृहस्पतिवार जितना ज्यादा हो सके ईमानदारी के साथ कार्य करें, सभी के साथ ईमानदारी बरतें आप। और आज के दिन केसरिया रंग का उपयोग आप सर्वाधिक करें या केसर का तिलक लगा के ही दिन की शुरुआत आज के दिन आप करें। जी, तो वैवाहिक जीवन में गुरु की कृपा बनी हुई है, वहीं कार्य क्षेत्र में आपको सावधान होकर चलना है, किसी के साथ अनैतिक व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करना है। और चलिए जानते हैं वृष राशि के बारे में कि इनके लिए आज का दिन कैसा होगा। जी बिल्कुल, कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले अगर वृषभ राशि से संबंधित जातकों के चल रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कोर्ट कचहरी के कार्यों में सावधानी बरतते हुए आप कार्य करें, सतर्कता के साथ आप कार्य करें, बिल्कुल हड़बड़ी में आके कोई बड़ी बड़ी गड़बड़ी आपके द्वारा ना हो, इस बात का विशेष ख्याल इस एकादशी तिथि और दिन बृहस्पतिवार में आप रखें। बात फिर से नैतिकता पे आएगी वृषभ राशि से संबंधित जातकों के लिए, क्योंकि बृहस्पतिवार है, जितना ज्यादा नैतिक व्यवहार आप करेंगे निश्चित ही सफलता आपको भव्य पैमाने में मिलेगी। गुरु बृहस्पति जो है धन के भी कारक है, सोर्स ऑफ इनकम है आपके लिए। तो वृषभ यानी की टॉरस से संबंधित जातकों के लिए धन की आवक बढ़ती दिखाई दे रही है, तो बृहस्पति की कृपा विशेष रूप से आपको आर्थिक रूप से आज के दिन देखने को मिलेगी, धन की आवक में बढ़ोतरी होगी, भगवे रंग का उपयोग करना ना भूलें। जी, तो अनैतिक कार्य आज के दिन आपको भी नहीं करना है, धन की आवक बढ़ेगी, वहीं कानूनी मामलों में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। जानते हैं मिथुन राशि के बारे में कि मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा होगा। बिल्कुल, मिथुन राशि जो है आज बहुत ज्यादा लाभान्वित होने वाली है बृहस्पतिवार होने की वजह से, कार्य क्षेत्र में तरक्की कर सकेंगे आप, गुरु ग्रह बृहस्पति की कृपा विशेष रूप से आपके ऊपर बनने वाली है। लगातार कार्य क्षेत्र में आ रहे अवरोध विलंब दूर होंगे और बड़ी तरक्की कार्य क्षेत्र से संबंधित आपको प्राप्त हो सकेगी। लेकिन पिता के साथ संबंधों को मधुर और मजबूत रखने का भी आप प्रयास करें, वैचारिक मतभेद सभी अंत करें और पिता के साथ संबंध मजबूती की ओर आप अग्रसर करें। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी अगर बात की जाए, देखिए आपको कहीं ना कहीं करियर फ्रंट में भी बहुत अच्छी स्थिति आज के दिन मिल रही है, धन की स्थिति भी बहुत अच्छी हो रही है, रिश्तों में भी आपको बेहतर सामंजस्य देखने को मिलेगा। और बात अगर व्यापार व्यवसाय की जाए तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत ही शुभ रहने वाला है। ऐसे जातक जो व्यापार का अपने विस्तार करना चाहते हैं, बिजनेस एक्सपेंशन एक्सटेंशन करना चाहते हैं, उन सभी के लिए योग बहुत ही अच्छे, इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि 12 राशियों में सबसे अच्छी जो स्थिति आज बनती दिखाई दे रही है वो इस राशि से संबंधित जातकों की रहने वाली है।
जी, तो मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही सुखद, जीवन का हर एक क्षेत्र आपके लिए सकारात्मक बना हुआ है। जानते हैं कर्क राशि के बारे में कि उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा, क्या कहती है उनके सितारों की चाल। जी बिल्कुल, कर्क यानी कि कैंसेरियंस, ये बृहस्पतिवार स्वास्थ्य में आपको उतार चढ़ाव की दिक्कत देखने को मिल सकती है, कुछ नाजुक परिस्थितियां बन सकती हैं स्वास्थ्य से संबंधित, विशेषकर सर का जो भाग है। ऐसे जाते जिनको माइग्रेन की समस्या है पहले से, उनके लिए आज का दिन थोड़ा नाजुक रह सकता है। तो सर दर्द से संबंधित समस्याओं को दिन की शुरुआत से ही आप उनसे बचने का प्रयास करें। इसके लिए सरल रूप से 10-15 मिनट का समय निकालते हुए योग अभ्यास अवश्य करें। कार्य क्षेत्र में भी कुछ तनावपूर्ण स्थितियां जन्म ले सकती हैं। जो अधिकारी वर्ग है आपके ऊपर जो है, जॉब में आपके जो लोग हैं कार्य क्षेत्र में, दफ्तर में, उनसे किसी प्रकार का मनमुटाव जन्म ले सकता है। लेकिन छोटी यात्रा को भी सितारों की चाल आपके लिए यहाँ पे दर्शा रही है। वैवाहिक जीवन में भी उतना ही तालमेल इस बृहस्पतिवार एकादशी तिथि में आपको बनाए रखने की सलाह दी जाती है। कहीं ना कहीं कैंसेरियंस के लिए आज का जो दिन है थोड़े उतार चढ़ाव के साथ है। अगर आपकी वो करियर है तो आपको कुछ सतर्कता बरतने की सलाह, और अगर स्वास्थ्य है तो नजरअंदाज बिल्कुल भी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को आप आज के दिन ना करें। जी, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको आ सकती है, छोटी यात्रा की योग आपके लिए बन रहे हैं, वहीं वैवाहिक जीवन जो है आपका सुखद हो सकता है। इसके साथ जानते हैं सिंह राशि के बारे में कि इनके लिए आज का दिन कैसा होगा। जी हाँ बिल्कुल, किसी भी व्यक्ति पर अधिक विश्वास इस बृहस्पतिवार आप ना करें। विशेष रूप से हस्ताक्षर किन स्थानों में अगर आपको करना हो, किसी भी दस्तावेज में, महत्वपूर्ण दस्तावेजों में, यानी कि कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अगर आप साइन करने वाले हैं तो विशेष रूप से उसे पढ़ ले, समझ ले, विचार कर ले, चिंतन मंथन करने के बाद उन दस्तावेजों पे आप अपने हस्ताक्षर करें, और कहीं सुनी बातों में आके आज किसी भी कार्य को आप अंजाम ना दें। बात की जाए शिक्षा की, क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन है, गुरु ग्रह बृहस्पति ज्ञान के भंडार है, तो शिक्षा से जुड़ी कोई बड़ी सफलता आज के दिन आपको मिल सकती है। बहुत अच्छे योग है जब विद्यार्थी वर्ग लाभान्वित हो सकते हैं इस योग से आज के दिन। और गुरु ग्रह का जो रंग है पीला, यानी कि बृहस्पति का जो रंग है पीला, उसका उपयोग जितनी ज्यादा मात्रा में हो सके आज आप करें। जी, तो हस्ताक्षर के समय सावधान रहें, शिक्षा से अगर आप जुड़े हैं तो सफलता के योग आपके लिए दिख रहे हैं आज के दिन। और इस वक्त ऐश्वर्य जी हमारे पहले कॉलर आज के हमारे साथ जुड़ गए हैं, रायपुर से शांतनु जी हमारे साथ हैं। शांतनु जी स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, अपना जन्म विवरण बताएं और फिर अपनी समस्या बताएं। थैंक यू सो मच मैम जी। मैं पैदा हुआ था 20 जुलाई 1992 को। 20 जुलाई 1992, समय बताएं जन्म का। रात के 12 बजे। और जन्म का स्थान। जन्म का स्थान था छतरपुर यूपी। छतरपुर उत्तर प्रदेश। जी, सवाल रखें अपना। मैं असल में जब भी मैं अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करना चाहता हूँ तो कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है, ये ऐसा काफी टाइम से हो रहा है। जी जी बिल्कुल, देखिए शांतनु जी कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊं। मेष लग्न की आपकी कुंडली है सर्वप्रथम, और राशि जो है आपकी कुंभ है। जो आपको अड़चने और अवरोध देखने को मिल रहे हैं जीवन में लगातार, जब आप कोई भी कार्य के लिए अग्रसर होते हैं, वो राहु की पोजिशनिंग के कारण है। राहु जो है आपके नवम भाव, भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले ये आपके भाग्य को कमजोर करते हैं। भाग्य जैसे ही आपका कमजोर होता है तो आपको अपने कार्यों में अवरोध लगातार देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको अपने भाग्य को मजबूत करने की, प्रबल करने की आवश्यकता है। लक एक बार आपको फेवर करने लगेगा तो निश्चित ही सरल रूप से आपके कार्य जो है बनने लगेंगे। 99% पे निश्चित ही आपके कार्य रुक जाते होंगे। जो स्थिति आप बता रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पे प्रदर्शित हो रही है। जितना ज्यादा हो सके आप मछलियों की सेवा करें, मछलियों को भोजन की व्यवस्था आप करने का प्रयास करें। नित्य एक नियम बना लें कि प्रत्येक शनिवार जो है सूर्यास्त के पहले आप जितनी ज्यादा संख्या में हो मछलियों को मीठी आटे की गोलियां बना के खिलाना प्रारंभ करें। लगातार इस उपाय को करें, निश्चित ही समस्या का समाधान होगा, भाग्य में आ रही रुकावट दूर होगी, भाग्य प्रबल होगा, और बनते जो कार्य आपके बिगड़ जाते हैं वह भी बंद होंगे। जी, तो ऐश्वर्य जी बढ़ते हैं आगे, जानते हैं कन्या राशि के बारे में और कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा होगा, जान लेते हैं। बिल्कुल, कन्या राशि से संबंधित जातक यानी कि वर्गवंश जो है पेट से संबंधित किसी समस्या से आज के दिन परेशान रह सकते हैं। लगातार एब्डोमिनल इश्यूज आपको सता सकते हैं। खान पान का विशेष आप ख्याल रखें, फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या से आज के दिन आप ग्रसित हो सकते हैं।
विशेष रूप से बृहस्पतिवार स्वास्थ्य में गिरावट लाता दिखाई दे रहा है। लेकिन बात की जाए अध्ययन की, किसी कला को सीखने की, तो निश्चित ही इस बृहस्पतिवार अध्ययन के लिए दिन बेहद शुभ। कोई अगर नया अध्ययन आप प्रारंभ करना चाहते हैं, कोई नई शिक्षा लेना चाहते हैं, तो चैत्र माह के इस कृष्ण पक्ष के बृहस्पतिवार से आज आप प्रारंभ करें। दिन भी बहुत शुभ, तिथि भी साथ ही एकादशी बहुत शुभ। इसे प्रारंभ करके आप दिन की शुरुआत करें, अध्ययन की शुरुआत करें। निश्चित ही आज का किया हुआ अध्ययन आपको पारंगत हासिल कराएगा। कलात्मक गुणों में भी निखार के योग यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ऐसे जातक जो किसी भी रूप में कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत ही अनुकूल। लेकिन वाहन चलाते वक्त खास सावधानी आपको बरतने की हम आज यहाँ सलाह देते हैं। जी, तो स्वास्थ्य का आपको आज के दिन ध्यान रखना है। वाहन चलाते वक्त भी आपको सावधानी बरतनी है। और बहुत अच्छी बात ये कि आपके कलात्मक गुण अगर आप में हैं तो उसमें निखार आने के योग आज के दिन आपके लिए बन रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ दूसरे कॉलर जुड़ चुके हैं, राजस्थान से हरवीर जी हमारे साथ हैं। हरवीर जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अपना जन्म विवरण बताएं और फिर अपनी समस्या बताएं। जन्म तारीख बताएं। तारीख 12/8/1997। 12/8/1997। समय बताएं जन्म का। समय एक बार फिर बताएं। समय 4 बजे मॉर्निंग। 4 बजे सुबह का समय। और जन्म का स्थान। जन्म का स्थान बताएं। बावनपाड़ा। बारीवाड़ा। बावनपाड़ा। बावनपाड़ा। बाउलवाड़ा राजस्थान। जी। सवाल रखें अपना। जी मैडम, काफी मेहनत करने के बाद भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रही। काफी मेहनत करने के बाद भी सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही। जी बिल्कुल। देखिए, कर्क लग्न की कुंडली है और सूर्य लग्न से बृहस्पति की पोजीशन जो है थोड़ी कमजोर है, और बृहस्पति कमजोर होने के कारण नौकरी लगने में यहाँ पे दिक्कतें देखने को मिल रही है। निजस्तावस्था में बृहस्पति बने हुए हैं। आज के दिन से प्रारंभ करते हुए नित्य ही हल्दी का तिलक आप लगाएं, निश्चित ही इससे लाभ होगा विशेष रूप से। और आज के दिन से यानी कि प्रत्येक बृहस्पतिवार गौ माता को पूड़ी आप बना के खिलाना प्रारंभ करें। पूड़ी में कुछ मात्रा में चने की दाल और कुछ मात्रा में गुड़ लगा के गौ माता की आप सेवा करें और उनको अपने हाथ से इस पूड़ी को खिलाएं, जिससे कि बृहस्पति से संबंधित दोष जो कुंडली में है वह दूर हो, बृहस्पति की स्थिति मजबूत हो और शीघ्र नौकरी की प्राप्ति आपको हो। बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं कि तुला राशि के जो जातक है उनके लिए आज का दिन कैसा होगा। जी हाँ बिल्कुल, तुला आने के लिए ब्रिलियंस। और इस बृहस्पतिवार मेडिटेशन के साथ ही दिन की शुरुआत आप करें। जितना ज्यादा आप स्वयं को समेटे रखेंगे, निश्चित ही बृहस्पतिवार एकादशी तिथि 19 मार्च 2020 आपके लिए सफल सिद्ध होता दिखाई देगा। पार्टनर को समय देने का प्रयास करें, जितना ज्यादा हो सके अपने दाम्पत्य के साथ समय व्यतीत आप करें। बजट निर्धारण के बाद ही खर्च करने की सलाह, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो धन व्यय होगा वो आपको आने वाले 11 दिनों के लिए मुसीबत में डाल सकता है। तो महत्वपूर्ण है कि धन व्यय पे खास आप नियंत्रण आज के दिन रखें। हालांकि सामाजिक रूप से भागीदारी आपकी बढ़ी चढ़ी रहने वाली है, सामाजिक कार्यों में बहुत ज्यादा आप इन्वॉल्व रह सकते हैं, जिससे कि नेम फेम की प्राप्ति भी आपको बड़े पैमाने में होगी। जी, तो आज के दिन आपको बजट निर्धारण कर ही व्यय करना है, सामाजिक कार्य में भी आपकी भागीदारी बढ़ी चढ़ी रह सकती है। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्या जी मोहाली से सुनीता जी हमारे साथ हैं। सुनीता जी स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अपना जन्म विवरण बताएं और फिर अपनी समस्या बताएं। सुनीता जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? लगता है इनसे हमारा संपर्क टूट गया है। ऐश्वर्या जी, बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में कि इस राशि के जो जातक है उसके लिए आज का दिन कैसा होगा। मित्रों के साथ व्यतीत होता दिन दिखाई दे रहा है वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियंस के लिए। मित्रों को ज्यादा समय देते हुए दिन की शुरुआत आप करेंगे और कहीं ना कहीं दिन का ज्यादा से ज्यादा भाग मित्र मंडली को आज के दिन आप समर्पित करने वाले हैं। शिक्षा की अगर बात की जाए तो शिक्षा में अच्छे फलों की प्राप्ति आपको हो सकती है। बृहस्पतिवार ज्ञान का भंडार है और बृहस्पति गुरु की कृपा विशेष रूप से आप पे बरसने वाली है, जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर आपको अच्छे फलों की प्राप्ति हो सकेगी। ऐसे जातक जो किसी गुरु पे आज अपनी परीक्षा लिखने जा रहे हैं, उनके लिए अनुकूलता बड़े पैमाने में देखने को मिलेगी। बात की जाए आर्थिक रूप से आज यानी कि धन के बारे में, फाइनेंस के बारे में, तो आर्थिक लाभ सितारों की चाल इस समय वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियंस के लिए दर्शा रही है। साथ ही विपरीत लिंग के व्यक्तियों से भी बड़े पैमाने में आपको किसी प्रकार का लाभ हो सकता है। जी, तो आर्थिक लाभ की स्थितियां आपके लिए बनी हुई है, इसका लाभ आप ले सकते हैं। और
जानते हैं कि धनु राशि के जातकों के लिए आज सितारों की चाल क्या कहती है। बिल्कुल, देखिए धनु राशि के जो स्वामित्व करते हैं वह स्वयं बृहस्पति है और बृहस्पतिवार का दिन है आज। कुछ मिष्ट फलदायी परिणाम आपको इस प्रकार मिलेंगे कि परिश्रम पराक्रम के बाद सफलता आपको मिलेगी। तो एक बात का विशेष आप ख्याल रखें कि परिश्रम पराक्रम करने में आप ना कतराएं ना घबराएं, जितनी ज्यादा हो सके जीतो और मेहनत आज के दिन आप करें, लेकिन स्वास्थ्य को नजरअंदाज ना करें। स्वास्थ्य में गिरावट या नाजुकता देखने को मिलेगी और शिक्षा से संबंधित क्षेत्र में आज इस राशि से संबंधित जातकों को भी बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। यानी कि सैजिटेरियस जो है धनु राशि से संबंधित जातक, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अनुकूल परिस्थितियां आपके लिए भी जन्म लेती दिखाई दे रही है। भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता मजबूती आप बनाए रखें, इस बृहस्पतिवार गुलाबी रंग का उपयोग आप सर्वाधिक करें जी। तो शिक्षा के क्षेत्र में और संबंधों के क्षेत्र में आपसे भाई बहनों के संबंध के क्षेत्र में दिन बहुत ही सुखद, लेकिन थोड़ी सावधानियां आपको बरतनी जरूरी है, इसका ख्याल आप रखें। और जानते हैं मकर राशि के बारे में, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं ऐश्वर्य जी, उनसे बात कर ले हम। दिल्ली से राजेश जी हमारे साथ है। राजेश जी स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, अपना जन्म विवरण बताए और फिर अपनी समस्या बताए। 17 मार्च 1990। 17 मार्च 1990, समय बताएं जन्म का। दोपहर 2 बजे। दोपहर 2 बजे, और जन्म का स्थान? दिल्ली। क्या जानना चाहते हैं आप? मेरे बेटे की जन्म कुंडली है, इसके लिए एक तो विवाह के लिए पूछना है और एक इसकी जॉब नहीं लग पा रही है। विवाह और जॉब की कैसी स्थिति जी? सितंबर 2020 का विवाह के योग प्रबल और लव मैरिज के चांसेस भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। कर्क लग्न की कुंडली इनकी राशि वृश्चिक, जॉब संबंधित जो समस्या है अब वो शीघ्र खत्म होगी। जॉब की प्राप्ति बहुत जल्दी इनको हो सकेगी। जितना ज्यादा हो सके भगवान बजरंग बली जी की आराधना करें, उपासना करें। मंगल की स्थिति कुंडली में बहुत अच्छी है, उच्च के होके सप्तम भाव में बैठे हुए, तो वैवाहिक जीवन में अनुकूलता के साथ ही साथ करियर स्टेबिलिटी भी देंगे। प्रत्येक मंगलवार ये भगवान बजरंग बली जी के जातक दर्शन करना प्रारंभ करें, इसके साथ ही बूंदी के लड्डुओं का वहां पे भोग लगाएं, लगातार इसे मंगलवार करें। दोनों ही सवाल जो आपके थे उसका समस्या का समाधान यही से होगा जी। और चलिए बढ़ते हैं राशिफलों की ओर, जान लेते हैं कि मकर राशि के जो जातक है उनके लिए आज का दिन क्या होगा, कैसा होगा जी। हाँ, परिवार का सहयोग मिलता दिखाई दे रहा है मकर राशि से संबंधित जातकों को आज के दिन, यानी कि पारिवारिक सहयोग सहायता आपके साथ बनी रहने वाली है और कार्य क्षेत्र में भी सफलता आपको मिल सकेगी। एक बात का विशेष ख्याल आपको रखने की सलाह कि झूठ बोलने से आज के दिन आप परहेज करें, जितना ज्यादा हो सके सत्यता का पालन आप करें, सत्यता का साथ आप दें और कोई खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। विशेष रूप से आपके निजी जीवन से संबंधित आज इस बृहस्पतिवार एकादशी तिथि में कोई शुभ समाचार आपको सुनने को मिल सकता है जी। तो खुशखबरी की प्राप्ति आज के दिन हो सकती है। और इस वक्त हमारे साथ सुनीता जी एक बार फिर से जुड़ चुकी हैं मोहाली से। सुनीता जी स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, अपना जन्म विवरण बताएं और फिर समस्या बताएं। नमस्कार जी, मेरी ना बेटी है उसकी 26 जुलाई 1982, टाइम है सुबह का 3:40। 26 जुलाई 1982, समय आपने बताया है सुबह का 3:40। और जन्म का स्थान क्या है? सरसा हरियाणा। सरसा हरियाणा जी, हाँ जी। क्या जानना चाहती हैं आप? वो ना अपना मैरिड है, 2 बच्चे भी हैं, पर ना एक तो वो नौकरी करना चाहती है, दूसरा उसकी मैरिज लाइफ इतनी खुशहाल नहीं है, टेंशन में रहती है एकदम जी। निश्चित आप जो समस्या बता रही है वो बिल्कुल सही यहाँ प्रतीत हो रही है। मिथुन लग्न की आपकी सुपुत्री की कुंडली है और देखिए राहु जो है विवाह के भाव में बैठा हुआ है, तो कभी भी एक फ्लो में रिश्ते को चलने नहीं देता, लगातार कोई ना कोई समस्या नहीं जन्म लेते लगती है वैवाहिक जीवन में। तो इसके लिए एक सरल उपाय ये करें कि ओम राम राहुवे नमः इस मंत्र का नित्य ही 108 की संख्या में, ओम राम राहुवे नमः 108 की संख्या में शनिवार से जप करना प्रारंभ करें, वैवाहिक जीवन की अनुकूलता को ध्यान रखते हुए। इससे करियर में स्टेबिलिटी के भी चांसेस अच्छे बनेंगे और साथ ही वैवाहिक जीवन में निश्चित ही अनुकूलता आएगी जी। और बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं कि कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा होगा। बिल्कुल, सरकारी अगर कार्य में आप लगे हुए हैं, कोई शासकीय कार्य में लगे हुए हैं, तो लाभ की स्थिति ऐसे शासकीय कार्य से आपको मिल सकेगी। पितृपक्ष से भी कोई सुखद समाचार की प्राप्ति के योग बहुत ही प्रबल, लेकिन महत्वपूर्ण है माता के स्वास्थ्य को आप नजरअंदाज ना करें, जितना ज्यादा हो सके अपनी मदर के स्वास्थ्य का आप आज के दिन विशेष ख्याल रखें जी। तो माता के स्वास्थ्य
का ख्याल आप रखें, आज के दिन कोई सुखद समाचार की प्राप्ति आपको हो सकती है। जान लेते हैं मीन राशि के बारे में कि मीन राशि के जो जातक है उनके लिए आज का दिन कैसा हो सकता है। अच्छा, मीन राशि का भी जो स्वामित्व करते हैं वह स्वयं बृहस्पति है और दिन बृहस्पतिवार का 19 मार्च 2020 और दिन बृहस्पतिवार एकादशी तिथि बहुत ही शुभ संयोग नक्षत्र भी उत्तर अषाढ़ा बना हुआ है। इस शुभ संयोग में ससुराल पक्ष से लाभान्वित होते दिखाई दे रहे हैं मीन, यानी कि पाइसेस से संबंधित जातक। लेकिन लंबे समय से चल रही बीमारी आज आपको सता सकती है, उसकी पीड़ा बढ़ सकती है, तो महत्वपूर्ण है लंबे समय से चल रही बीमारी को विशेष रूप से आप ध्यान में रख के कार्य करें। किसी भी व्यक्ति पर अधिक विश्वास आज के दिन आप ना करें, पीले रंग का उपयोग आप करें। कुछ सावधानियां बहुत ज्यादा बरतने की आपको सलाह, कहीं ना कहीं कहीं सुनी बातों में आके आज आप अपने कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन ससुराल पक्ष से स्थितियां अच्छी तो सामंजस्य आज के दिन पूर्णतः आप अपने दिन में बनाए रखने का प्रयास करें। जी, तो सुखद स्थितियां आपके लिए बन रही है, ससुराल पक्ष से लाभ हो सकता है। लेकिन वहीं कहीं लंबे समय से आपको कोई समस्या है, शारीरिक समस्या, तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। और इस वक्त हमारे साथ सवेरिया जी एक कॉलर जुड़ चुके हैं, गुरजीत सिंह जी हैं पंजाब से। गुरजीत जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अपना जन्म विवरण बताएं और फिर अपनी समस्या बताएं। मैडम नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं जी अपने लड़के बारे जानना चाहना, मेरी नूह बाहर गई है, उसकी सहेल लोनी है ये भी। गुरजीत, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं उनका जन्म तारीख बताएं। हरसुखप्रीत सिंह का नाम, डेट ऑफ बर्थ 19 जुलाई 1996। 19 जुलाई 1996। समय बताएं जन्म का। टाइम 9:10। 9:10 जी, ये समय जो आप बता रहे हैं वो रात्रि का है या फिर सुबह का? सुबह का जी। और जन्म का स्थान? पंजाब, तरन तारण जिला। पंजाब का जी, क्या जानना चाहते हैं आप बताएं। वो दीजिए, वाइफ बाहर गई है यूके, इधर वीजा लगाना, पे वीजा इधर आ जाऊंगा जी। बाहर जाना चाहते हैं, वीजा के समय बारे में इनकी सवाल है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छे चांसेस हैं, बहुत ही अच्छे चांसेस हैं। इनको बोलिए, प्रयास करें, निश्चित ही वीजा से संबंधित आ रहे अवरोध दूर होंगे, पीआर मिलने के चांसेस भी बहुत अच्छे हैं। और निश्चित ही प्रयास करना चाहिए, विदेशी भूमि से जातक को विशेष रूप से लाभ यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा राशि परिवर्तन सूर्य और चंद्र का इस कुंडली में देखने को मिल रहा है, जिससे कि आपका जो सवाल है उसका जवाब जो मेरी ओर से आ रहा है वो सकारात्मक है। तो निश्चित ही प्रयास करें, सफलता अवश्य मिलेगी जी। और इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, वैशाली जी हैं सूरत से। वैशाली जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अपना जन्म विवरण बताएं और फिर समस्या रखें। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते जी, बेटे के बारे में पूछने का है। जन्म तारीख है 9/6/90 का। 9/6/1990 शाम के 6 बजे जन्म का समय। जन्म का सूरत का जन्म है उसका। सूरत का जी, मेरी दीदी की शादी नहीं हो रही पा रही है, रिश्ते मिल जाए, रिश्ता नहीं मिल रहा जी। शादी से संबंधित तो समस्या आ रही है, शुक्र और गुरु दोनों बहुत डाउन स्थिति में है, तो विवाह लगने में बहुत दिक्कतें आएंगी। शनि और राहु की स्थिति भी इस प्रकार बनी हुई है कि विलंब की स्थितियां लगातार देखने को मिलेगी। इन्हें कहें कि आज के दिन से उपवास यानी कि व्रत करना प्रारंभ करें, 43 सप्ताह का एक अखंड संकल्प लेके। निश्चित ही इससे समस्या का समाधान होगा, विवाह लगने में आ रही दिक्कतें दूर होंगी। और जितना ज्यादा हो सके केले के वृक्ष की आराधना, उपासना एवं पूजन करें जी। तो ऐश्वर्य जी द्वारा बताए गए इन सभी उपायों का आप पालन करें, निश्चित ही आपको समाधान जरूर मिलेगा। और ऐश्वर्य जी बहुत धन्यवाद आपका कि आप इस कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों को राशिफल के साथ साथ ही उनके समस्याओं का समाधान भी बताया आपने। और आज सितारों की चाल में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।